पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, तो वही एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और मुरादाबाद जनपद के थाना कटघर में वांछित चल रहा है। मामला जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर दोराहा चौकी के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल गश्त कर रही पुलिस टीम को अचानक 2 संदिग्ध बाइक पर दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायर झोंक दिया और भागने का प्रयास करने लगे। इतने में पुलिस की ओर से भी गोली चली, जो बाइक पर पीछे बैठे बदमाश को जा लगी। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर पुलिस एसपी सिटी भी कई थानों की फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश 10,000 का इनामी है और अलग अलग जनपदों में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और जनपद रामपुर के शाहबाद थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज कटघर थाना क्षेत्र में काशीपुर दराई की तरफ से जब कटघर मोबाइल गश्त करते आ रही थी, तो एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तो वो दोनों बाइक पर सवार होकर गांव की तरफ एक कच्चे रास्ते की तरफ भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने उन पर फोर्स इस्तेमाल करने का प्रयास किया, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस के द्वारा जब जवाबी फायरिंग की गई, तो उनमें से एक व्यक्ति जो बाइक पर पीछे सवार था, उसके पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा जो अभियुक्त था वो बाइक लेकर भागने में सफल रहा। उसके बाद जब बातचीत की गई, तो अभियुक्त की पहचान जो धर्मपाल के रूप में हुई है, जो कि मुरादाबाद जनपद से 10,000 रुपये का इनामी वांछित चल रहा था कटघर की लूट में, और रामपुर शाहबाद थाने से HS है। उसको जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। मौके पर FSL की टीम मौजूद है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितना राउंड फायर है? देखिए, जो अभियुक्त है उसकी तरफ से एक राउंड फायर हुआ है और पुलिस पार्टी की तरफ से भी एक राउंड फायर हुआ। सर, क्या यहाँ पे उसके और भी कोई साथी थे जो कि यहाँ से भागने में फरार हुए, या किस तरह से ये घटना कहीं अंजाम करके आ रही थी, क्या सूचना इसमें मिली? बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। जो दूसरा अभियुक्त है, उसका नाम सतपाल बताया जा रहा है, वो बाइक लेकर भागने में फरार हुआ है। बाकी और डिटेल पूछताछ अभी की जा रही है। आज किस तरह की वारदातों में ये वांछित चल रहा है? देखिए, जो धर्मपाल जो पकड़ा गया है, इसके ऊपर पूर्व में 25 से 30 मुकदमे हैं और ये लूट, चोरी और डकैती, इस प्रकार की घटनाओं को कारित करता है।